बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूवर्स, आज इंट्रो नहीं है, आज विदाउट इंट्रो ये व्लॉग है एक्चुअली। और इस व्लॉग में मेरा व्लॉग ऐसे नहीं होगा कि बस मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मेरे व्लॉग में मकसद होगा, कुछ मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा और कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्पेशली वो लोग जो पेशावर के रहायशी हैं, वो तो ज़रूर मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो और इसी तरह मैं व्लॉग आप लोगों के लिए और अपने लिए बनाता रहूं। व्यूअर्स, मैं आया हूं सलमान बेकर्स कुछ बेकरी लेने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जैसी एंट्रेंस में आप दाखिल होते हैं तो ऑटोमेटिक एक सैनिटाइज़र लगाया हुआ है, और इससे गुज़र के आप फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक किलो पतीसा नहीं है? पतीसा, अच्छा पतीसा, गुलाब जामुन और बर्फी, बस ये तीन आइटम दे दें। किलो, एक किलो। जी तो व्यूअर, ये सलमान बेकर्स है और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, और इतनी वैरायटी आपको मेरा ख्याल है पूरे पेशावर में किसी दूसरी बेकरी के पास नहीं मिलेगी। सही बात है। ये देखें, हलवा जात है, मुख्तलिफ किस्म के हलवा है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को लाया हूँ कि जो सलमान बेकर्स हैं, वैरायटी के लिहाज से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये आप रखें, मैं ज़रा उधर चक्कर लगा के आता हूँ। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये स्पेशल बिस्किट्स हैं, इनका जो रेट है वो दूसरे बिस्किट से ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, ये वाले जो बिस्किट हैं बेकरी के, इन बिस्किट से, इन बिस्किट्स का जो रेट है ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, जिसमें कोकोनट बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट, और ये आप देखें ये भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी, और इसके ऊपर ये पीनट्स वगैरह डाले गए हैं। बेकरी के अलावा इनके पास ये रसमलाई भी है और खीर भी है, इसके अलावा आइसक्रीम भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। फ्रूट चाट भी है, और मकरोनी ख़त्म हो गई है? मकरोनी जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मकरोनी की भी यहाँ पर काफ़ी वैरायटी होती है, और चाट भी आप देख सकते हैं, फ्रूट चाट है। जी तो ये सलमान बेकर्स के पास जितनी वैरायटी है, आज मैं इसीलिए सिर्फ यहाँ पर ये दिखाने आप लोगों को लाया हूँ कि इतनी वैरायटी आपको दूसरी किसी बेकरी में पेशावर में नहीं मिलेगी। ये जी, ये हम
असर की जो चाय होती है उसके साथ स्पेशली हम खाते हैं। व्यूअर्स, एक गेट इन रखा गया है और दूसरा गेट आउट, क्योंकि कोविड 19 की वजह से ज़्यादा जो हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार की गई हैं, तो ये आउट है जी। लेकिन आउट गेट से भी हमारी जो आवाम है पेशावर की वो दाखिल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं आप? 2 किलो गोश्त चाहिए और 1 किलो कीमा। किलो कीमा दाखा, ये गोश्त फ्रेश है ना? बिल्कुल, बुध का दिन है। अच्छा, बस जो अच्छा हो। ये मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने गोश्त लेना है तो चूंकि मंगल और बुध वाले दिन छुट्टी होती है, ठीक है, तो बुध वाले दिन अगर आप गोश्त लेंगे तो आपको बिल्कुल ताज़ा गोश्त मिलेगा, ऐसे ही है ना? हमारी दुकान में रोज ताज़ा है। नहीं, लेकिन ये जो आज गोश्त है ना, ये जानवर आज ही ज़िबह हुए होंगे, ठीक है ना? ये शाम को खत्म 2 बजे ताज़ा गोश्त, फ्रेश गोश्त। और रोजाना ताज़ा गोश्त होता है? 1 बजे ताज़ा गोश्त आते हैं, शाम अच्छा हो जाते हैं, फिर कल के लिए ताज़ा। फिर नहीं, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि बुध वाले दिन आपको हर दुकान में ताज़ा गोश्त मिलेगा, आपकी दुकान, आप लोगों से तो मैं ले जाता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारी दुकान में रोज ताज़ा होता है, लेकिन बुध वाले दिन आपको हर दुकान में ताज़ा मिलेगा, ठीक है ना? खुश रहें। जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को यही दिखाने यहाँ पर आया हूँ कि बुध वाले दिन, वैसे इस दुकान में तो जैसे उन्होंने फरमाया कि रोज़ाना ताज़ा गोश्त आपको मिलेगा फ्रेश, लेकिन बुध वाले दिन हर दुकान में आपको फ्रेश गोश्त मिलेगा, तो इसलिए अगर आपने पीर मंगल को गोश्त लेना हो तो कोशिश करें कि बुध वाले दिन शाम के वक़्त, क्योंकि बुध वाले दिन दोपहर तक 2 बजे से पहले ये गोश्त आपको नहीं मिलेगा, 2 बजे के बाद मंगल बुध छुट्टी होती है, तो बुध वाले दिन कोशिश किया करें कि गोश्त खरीदा करें। तो आज मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक सलमान बेकर्स है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, और इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो आसिया गेट में है, दलाजाक रोड पेशावर के ऊपर इसकी दूसरी ब्रांच है, तो अगर आप इस एरिया में हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो बेकरी के आइटम्स हैं वो आप सिर्फ सलमान बेकर से ही ख़रीदें, और इसके अलावा ये जो मैंने आपको मीट का बताया है तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो गोश्त है ये डेली ही फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने गोश्त तो हम ख़रीदते ही ख़रीदते हैं, तो अगर बुध वाले दिन सेकंड टाइम, आज बुध का दिन है और सेकंड टाइम 2 बजे के बाद हर गोश्त की दुकान पर गोश्त आ जाता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं, बल्कि 100% ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा गोश्त होता है। जी तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपना और दूसरों का ख़ास ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।